पहले विश्व युद्ध के बाद मीडिया से जुड़े लोग विंस्टन चर्चिल से मिले, जो कि युद्ध के समय के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पूछा, इंसान का सर्वोत्तम गुण क्या है? सबने कहा, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता वगैरह वगैरह। चर्चिल ने कहा, नहीं, इंसान का सर्वोत्तम गुण साहस है, क्योंकि इंसान में अगर साहस नहीं है तो कोई भी और गुण निखर के नहीं आएंगे। जब तक कोर्ट का निर्णय आया, तब तक कानून था कि कोई भी अगर असामाजिक कार्य करेगा तो वह दोषी करार दिया जाएगा और वह गुनहगार की श्रेणी में शामिल होगा, और अगर वह सांसद के सदस्य है तब धारा 8(4) के अंतर्गत उसके अपराध के चलते उन्हें कुर्सी छोड़ने को नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने उस धारा को नकार दिया। दोषी लोग अगर संस्था का हिस्सा रहते हैं तो उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। जैसे ही कोर्ट किसी को अपराधी घोषित करता है, उसे सत्ता छोड़नी पड़ती है। दरअसल ये कोई लड़ाई नहीं है, यह एक बहस है। मैं इस विषय से परिचित नहीं थी, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान था कि ऐसा होता आया है कि कोर्ट के निर्णय या किसी भी सजा के फरमान को माना नहीं जाता था। किसी जज का निर्णय जो अपराध सिद्ध करता है उसे नकारा जाता था। मुझे इसी बात का गुस्सा था। यह मेरा कर्तव्य है और मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। एक नागरिक होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि जब मुझे कोई सूचना मिलती है मैं उस हिसाब से अपने काम करूं। डरने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। मैं कुछ आगे पीछे की बात नहीं सोचती। मुझे जैसे ही कोई समस्या दिखती है मैं उस पर वार करती हूँ। हमारे बीच खूब सारे भगत सिंह हैं, सिर्फ पहल की ज़रूरत है। हमारा संविधान प्रेम का प्रतिनिधि है। संविधान की प्रस्तावना अपने आप में आध्यात्मिक स्वरूप है। आध्यात्मिकता के बिना कुछ भी टिक नहीं सकता। किसी को भी संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई मूल बातों की जानकारी नहीं है, लोगों को नहीं पता है। यह कोर्ट की जिम्मेदारी है। यहाँ हमारी सरकार दोषी है। मुझे बहुत दुख है कि हमारा कोर्ट, हमारी न्यायपालिका ने लोगों को नागरिकता के पहलू नहीं समझाए। हम 65 साल पीछे हैं। आपको इसी क्षण शुरुआत करनी चाहिए। बताएं लोगों को हमारे संविधान के बारे में, उसमें लिखी गई मूल बातों के बारे में।